दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो लोग टाइपिंग करके मतलब कुछ अल्फाज लिख के या कुछ कंटेंट लिख के कुछ आर्टिकल्स लिख के पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो टाइपिंग करके पैसे कमाएं। बहुत सी रिक्वेस्ट ये होती हैं कि कुछ टाइपिंग की जॉब बताई जाए, तो आज आपकी खिदमत में एक ऐसी वेबसाइट लेके हाजिर हूँ जिस पे आप लोग टाइपिंग करके आर्टिकल्स लिख के भी पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और लोग उस पे काम करके पैसे भी कमा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वेबसाइट पे आपने टाइपिंग किस तरह करनी है, उस पे आपने साइन इन और लॉग इन किस तरह करना है, और इस वेबसाइट का मैं विथड्रॉ मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मास्टर माइंड में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह टाइपिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बहुत से यंगस्टर्स की ख्वाहिश होती है कि उनको एक टाइपिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो काम करके पैसे कमा सके। और आज की वीडियो में आप वेबसाइट पर ना सिर्फ फ्रीलांसिंग कर सकेंगे बल्कि आप उस वेबसाइट पर जाकर परमानेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जितना आप वहाँ पे काम करेंगे, जितना उस वेबसाइट पे काम करेंगे, आपको उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जब ज़्यादा टाइपिंग होती है तो ज़्यादा पैसा आता है, जब कम टाइपिंग होती है तो कम पैसा आता है। इसी तरह का हिसाब है उस वेबसाइट पर भी। ऑथेंटिक वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, लोग उस पर काम करके पैसे कमा रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको थंबनेल पे 3500 रुपये डेली बेसिस का बताया, लेकिन जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे आप खुद देखेंगे कि लोग वहाँ पर ना सिर्फ 100 या 200 डॉलर बल्कि वहाँ पर 300 डॉलर भी अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वेबसाइट का नेम है writershub.org। तो इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं एक अनदर टैब के अंदर और ये हमारे सामने कुछ ओवरव्यू आ चुका है वेबसाइट का। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी देख लेते हैं कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इसका ट्रस्ट स्कोर आप देख सकते हैं 81/100 है, मतलब इधर लोग काम कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और इनके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ख़ास हैं हम सब के लिए। दोबारा से हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनके बेनिफिट्स कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन और साइन अप फीस नहीं है। इसके अलावा 24/7 आपको रिस्पांस मिलेगा सपोर्ट टीम की तरफ से। इसके अलावा ग्रेट मेंटोरिंग प्रोग्राम है और रेगुलर एंड सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग है। आपकी जो पेमेंट रिसीव होगी वो बिल्कुल सिक्योर होगी और जैसे ही रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे कोई भी रेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह करता है, तो यहाँ पर ये लिखा है सबसे पहले आपने साइन इन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सलाहियतें दिखानी है और यहाँ पे आपने राइटिंग करना है और अर्निंग करनी है। आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद हमारे सामने जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट है कंटेंट राइटिंग का हमारे सामने, जिसकी प्राइस है $398 पर प्रोजेक्ट, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 76,000 रुपये बनता है। तो मैंने आपको क्या कहा था थंबनेल पे तकरीबन 3500 रुपये डेली, लेकिन यहाँ पे 76,000, मतलब आप खुद ही गैस कीजिए कि वेबसाइट किस कदर आपको प्रोवाइड कर रही है। आप ज़रूर इधर आइए और काम कीजिए। अब यहाँ पर हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया। साइन इन पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है। ख्याल रहे आपने वो ईमेल लिखनी है जो कि आपके यूज़ में है, जिस पर आपको ये मेल कर सकें और आपके साथ ये रابطے में रह सकें। यहाँ पर आपने एक पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स पे कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें आपके जो है नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं और स्पेशल लेटर्स भी हों, जैसे कि हैशटैग और अंडरस्कोर वगैरह। दोबारा से हमने कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हमने वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है और नीचे कंट्री पाकिस्तान है, नंबर है, इन्होंने कहा है हमको ये कोड सेंड करेंगे हमारे इस नंबर पर। तो पहले मैं यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने जो अपना नंबर वेरीफाई कर लिया और चेक करते हैं हमें कोई कोड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। जी कोड रिसीव हो चुका है हमें, तो यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ 2735-7962। डन हो गया, यहाँ पर मैं वेरीफाई कर देता हूँ इस कोड को। नीचे एक स्काइप अकाउंट आपने डालना है जो कि मैंडेटरी है। मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी अकाउंट डाल देता हूँ, लेकिन आपने स्काइप अकाउंट क्रिएट करना है और वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि आप किस टॉपिक पर लिखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर इनको कह देता हूँ कि मैं
स्पोर्ट्स पे लिखना चाहूँगा, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस पर लिख सकते हैं। और आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ, उसके अलावा आपने अपनी स्किल्स दिखानी है और स्टार्ट वर्किंग करनी है। तो हमारे सामने एक टेस्ट आ चुका है और हमारे पास दो ऑप्शन है कि अभी हम स्टार्ट कर दें इस टेस्ट को या 48 आवर्स के लिए इसको पोस्टपोन कर दें। लेकिन चूँकि हम इधर काम करने हैं इसलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह का इनका टेस्ट है। तो लोडिंग हो रही है इधर, तो हमारे सामने इनका एक टेस्ट आ चुका है। टेस्ट के लिए हमारे पास 19 मिनट तकरीबन 20 मिनट है हमारे पास, और ये नीचे एक प्रोग्रेस बार है जिसे जैसे हम MCQs का टेस्ट है जैसे जैसे हम इसको फिल करते जाएंगे ये प्रोग्रेस बार जो है फिल होती जाएगी, और जैसे ही ये फिल हो जाएगी पूरी उसके बाद ये MCQs ख़त्म हो जाएंगे और हमारे सामने हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो एक चीज़ ये है कि मैं जो MCQs के आंसर कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैं बगैर देखे कर रहा हूँ, मे बी इट विल बी रॉन्ग, लेकिन आपने इसको पूरा पढ़ना है, पूरा अच्छे से समझना है और उसके बाद आपने आंसर करना है। 20 मिनट है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आपने इनको समझ के पढ़ के देख के आंसर करना है ताकि आपको यहाँ पर जॉब मिल सके, आपको यहाँ पर ऑर्डर्स रिसीव हो सकें और आप यहाँ से अच्छी इनकम कर सकें जनरेट। तो हमारी जो बार है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, मज़ीद में यहाँ पर कुछ MCQs के आंसर्स कर देता हूँ। तो आई थिंक 2 या 3 MCQs रह गए, उसके बाद ये देखिए हमारी जो बार है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। मैं यहाँ पर स्किप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे सामने कह रहे हैं कि आपका जो MCQs का टेस्ट है वो आप पास नहीं कर पाए क्योंकि आपका जो टेस्ट स्कोर है वो काफ़ी लो था, तो आप बाद में आना चाहेंगे या अभी ट्राई करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ आई विल कम बैक लेटर, मैं बाद में आके जो है कर लूँगा, ठीक हो गया। इन्होंने अभी हमें कहा कि आपको एक मेल रिसीव होगी, मेल के बाद आप दोबारा आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से काम करना है और इनकम जनरेट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे मास्टरमाइंड टीम इंक्रीज होगी और मज़ीद आप लोगों के लिए बेहतरीन अर्निंग वीडियोज़ डिलीवर करेगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझ पर कनेक्ट हो सकते हैं, DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में एक नई अर्निंग मेथड के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।